स्टूडेंट्स वेलकम है आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फास्ट एंड शॉर्ट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ट्रिक की सेकंड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी वीडियो देख के कई सारे ट्रिक्स सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले और भी कुछ ट्रिक्स जिसके जरिए आप मैथ्स के किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इस सीरीज में जिन ट्रिक्स की बात करेंगे, ये ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स है जो हर एक तरह के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है, जो ज़रूरी होती है, जो आपके लिए समय बचा सकती है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे से छोटे समय में करवा सकती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट ट्रिक। पहला ट्रिक है हमारा मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर अप टू 100। अगर हमारे पास 10 से लेके 100 तक है ना, टू डिजिट नंबर, 10 से लेके 100 तक कोई भी दो डिजिट का नंबर हो और मैं आपसे कहूँ कि इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो शॉर्टकटली फटाफट आप उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जी हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 24 into 42। तो जनरली आप क्या करते हो, आप पहले 24 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई लिखोगे, फिर 42 लिखोगे, फिर 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, फिर 2 को इससे करोगे 4 आएगा, देन 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, तो 6 लिखोगे या कैरी लगाओगे, 4 2 8, 8 1 9 करोगे, फिर यहाँ पे करोगे 8, फिर इसको करोगे 0, फिर यहाँ आएगा कैरी और ये बनेगा हमारा 10, तब जाकर आएगा आपका 100। तो एक प्रोसेस तो ये है जो हम हमेशा से करते हैं, लेकिन क्या बोला मैंने, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फास्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स, तो हमें फटाफट इसे सॉल्व करना है, राइट? तो जब हमें फटाफट सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, आप इजीली समझ जाएंगे कि करना क्या है। देखो तो सबसे पहले जब भी कभी आपके पास टू डिजिट नंबर आए, इस तरीके का टू डिजिट नंबर के दो वैल्यूज हो जिसको मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको क्या करना है, नंबर वन आप फर्स्ट वैल्यू को इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 4 2 8, राइट? देन बीच में आप स्पेस दे दो, फिर आप इस वैल्यू को करो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, ठीक है? अगेन कितना आएगा, 4 2 8। अभी देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप करोगे ना तो ये बहुत 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, देन आपको इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ओके? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको ये चीज़ ध्यान रखना, किसको किसको पहले मैंने किया, इस बार आपको ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 2 2 कितना हो गया, 4, और इसमें ऐड कर देना है किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया, 4 4 16, दिस इज 20। अब जैसे ही 20 है आपको क्या करना है, आपको इस 20 को यहाँ पे ऐड करना है, कैसे, इस तरीके से, आई समझ? सो द आंसर इज 8 0 8 into 10। आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, समझ आया? तो बस इतना सा ट्रिक था हमारा, बहुत इजी ट्रिक है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, ठीक है? तो मैं पहले इसको रब कर लेता हूँ और देन फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको हम ट्राई करके देखते हैं कैसे करना है। चलिए ओके, तो इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 31 into 21, ठीक है? दो डिजिट नंबर है दोनों, मल्टीप्लाई करना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ले रहा हूँ वही है, आप कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से टू डिजिट के कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए, कैसे बताया था मैंने, सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 के फिर स्पेस, फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1, ओके? देन अब आपको क्या करना है, 3 1 3 प्लस 1 2 2, कितना आया, 5। इस बार आप क्या करेंगे, इस बार सिंपली आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली आप सेंटर में लिख दो, तो आंसर कितना आ गया, 651। इजी है ना, इजी। चलिए एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही ट्राई करते हैं, लेट सपोज करो कि इसी का थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं, ये होता 32 into 22, ठीक है? 32 into 22, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 6, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, ठीक है? बीच में गैप आ गया, अब आपको क्या करना है, 3 2 6 एंड 2 2 4, कितना आया, 10, क्या बोला था मैंने, आप इसमें 10 ऐड कर दो, तो जैसे ही आप इसे ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 4 0 7, सो द आंसर इज 704। इजी है, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी ट्रिक्स है, आराम से आप किसी भी बड़ी से बड़ी दो डिजिट के नंबर्स का मल्टीपल जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए तो हम एक दो एग्जांपल्स और लेके देखते हैं ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चन समझ जाएं, देन आप खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा
बहुत इजी एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ओके चलिए, तो अगला हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 52 इंटू 64। जी हाँ, 52 इंटू 64। क्या बताया मैंने, क्या करना है आपको? आपको सिंपली पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 का कितना आएगा? 30। देन फिर आपको क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप स्पेस दे दीजिए, यहाँ आ गया 2 4 8। ओके, देन फिर मैंने क्या कहा था आपसे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 5 4 20। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 12। तो टोटल कितना हो गया, 32। आप क्या करोगे, इस 32 को कैसे ऐड करोगे, आप इस 32 को यहाँ पे 32 एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दो, ये आ गया 8 2 3 3। सो आंसर इज 3 3 2 8। है इजी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल होगी, आप बड़े आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस बार मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 82 इंटू 51। जी हाँ, 82 इंटू 51। क्या करना है आपको, सिंपली 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 40। स्पेस दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आया 2। ठीक है, साइड में आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब आपको करना है इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 1 जा 8, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आया, 10। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 18। आप सिंपली इस 18 को क्या करो, यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे आपने 18 ऐड किया, ये आया 2 8 1 4। सो आंसर इज 4 1 8 2। है ना इजी, बहुत इजी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि मैं हर तरीके के एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। चलिए इस बार थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, आप कहेंगे सर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, इस बार एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 95 इंटू 73। तो इस बार आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 63। ओके, फिर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 15। डन, ये आ गया। इस बार आपको क्या करना है, फिर सेम जो आगे प्रोसेस करते थे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 27। फिर प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 35। अब जैसे इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 62। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे ये भी, ये वाली जो वैल्यू है ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो जब दोनों 2 डिजिट है तो आप क्या करोगे, इस 62 को ऐसे ऐड करोगे, 62। तो 5 का 5 आ गया, 2 n 1 3, 6 n 3 हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया 6। सो आंसर इज 6 9 3 5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, था इजी क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। इस बार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 26 इंटू 32। तो देखो ये भी बहुत इजी है, आपको क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12। बीच में स्पेस आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, तो ये आया 4। और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, कितना आएगा, 18। द टोटल इज 22। आपको क्या करना है, 22, यहाँ 2 डिजिट कहाँ पे, 2 डिजिट नंबर इधर है, तो इसके साइड से 2 और 2, इसको आप ऐड कर दो। समझ गए मेरा पॉइंट क्या था, पहले वाले में जिधर 2 डिजिट है उधर से आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 2 3, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब ये ऐड होगा तो 6 और 2 8। इजी है ना, इजी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेके मैं एंड करता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही ट्राई करके देखना। क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं हम, 22 इंटू 32। तो क्या करेंगे आप 22 इंटू 32 के लिए, 2 इंटू 2 सॉरी मैं दोबारा से कर देता हूँ। हाँ चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इस बार हम एग्जांपल लेंगे किसका, 22 इंटू 32। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, आया 6। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 4। बीच में स्पेस आ गया, राइट। देन आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, टोटल हो गया 10। तो आप इसमें 10 ऐड कर दो, जैसे आप इसको ऐड करोगे ये आएगा 407। सो दिस इज द आंसर, 704। है ना इजी, तो आप आराम से किसी भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को और 3 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले जो हमने किया उसमें हमने क्या किया, हमने 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर और एक 3 डिजिट नंबर और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करें। एग्जांपल देख लेते हैं, मान के चलो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक है 123, जिसको मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो 123 3 डिजिट नंबर है और यह है 21। तो देखो करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो तो वैसे ही जैसे पहले था 2 डिजिट नंबर वाला, थोड़ा सा पार्ट, लेकिन उसके अलावा जो बाकी पार्ट है वो थोड़ा अलग है। तो कैसे,
तो देखो सबसे पहली चीज तो जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट था उसमें हम क्या करते थे, पहले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते थे, है ना, वो लिख लेते थे। तो यहाँ पे भी वो पार्ट सेम है, टू लिख लो। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे, 3 1 3, यहाँ पे भी वो पार्ट सेम है, वो लिख लो। उसके बाद बीच में हम सिंगल स्पेस देते थे, राइट, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम डबल स्पेस देंगे, ये 2 स्पेस आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने 2 डिजिट में किया था। चलो अब देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो क्या करना है, ये समझ आ गया मैंने कैसे किया। अब मैं ऊपर जो मैंने स्पेस, जो मैंने आपको डायरेक्शन दी कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते करना है, ये तो समझ गए ना, फर्स्ट को फर्स्ट से लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं सीधा पॉइंट पे हमारे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आपका आएगा ऊपर का डिजिट। तो क्या होगा, जैसे आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा कितना हुआ, 6, और जब आप 2 को 1 से करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, तो टोटल कितना आया, 8 आ गया। ये जो आपका वैल्यू है ना, ये यहाँ का वैल्यू है, दिस इज द 8, आ समझ, ये निकलेगा आपका जो 8 वाला वैल्यू था वो, ठीक है। ओके अब नीचे आते हैं, नीचे क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा आगे कर दो। आगे करने का मतलब क्या करना है, इस बार जहाँ आपने 2 को 3 से किया था, इस बार आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो पैटर्न समझने की देर है, बस थोड़ा सा एक शिफ्ट हुआ है आगे। तो अब क्या आएगा, 2 2 जा 4, राइट, एंड 1 1 जा 1, टोटल कितना हुआ, 5, तो बस 5 आया, उसे आप यहाँ लिख दो। सो द आंसर इज 2 5 8 3, इजी है, समझ गए, था इजी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देन आप शायद अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या है। तो इस बार जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो है हमारे पास 243 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले तो फर्स्ट पार्ट जो करना है वो तो करना ही है हमें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, बीच में डबल स्पेस देते, ठीक है, इतना तो था ही। ओके अब मैं ये ऊपर वाला पार्ट जो था जिससे हम डायरेक्शन दे रहे थे उसको मिटा लेता हूँ मैं। अब आता हमारा मेन पार्ट, मेन सेक्शन कैसे करना है, हमें क्या बताया था मैंने, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा कितना हो गया, 2 3 जा 6, एंड 3 4 जा कितना हो गया, 3 4 जा 12, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना है, 18। अब देखो यहाँ तो 2 डिजिट आ रही है, तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बस आप समझना, जब आपके पास 18 आ रहा है तो आप यहाँ पे तो 8 लिखो, ये आपका 8 हो गया, लेकिन जो 1 है ना इसको आप एज अ कैरी लेके चलो, ये आपका साइड में कैरी हो जाएगा, समझ गया। ओके अब नीचे आते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, तो कितना आएगा, 8 आएगा, देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 14। अब देखो यहाँ क्या ट्विस्ट है, यहाँ ट्विस्ट ये है कि जो 14 है इसका 4 तो यहीं आएगा, लेकिन जो 1 है ना वो कैरी में आएगा इसके साथ, समझा, मतलब 1 इसके साथ ऐड होगा और 4 यहाँ रहेगा। तो अब आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 9 8 4 1 5 4 1 5, सो द आंसर इज 5 5 8 9, है इजी, कोई मुश्किल तो था नहीं, इजी था। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं ताकि आपको इजीली और समझ आए, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप करेंगे उतना आप आसानी से समझ पाओगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 153 मल्टीप्लाई बाय 61, तो सेम क्या बोला था मैंने, पहले 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 डैश लग गए, 3 1 जा 3। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन आपके लिए मिटा देता हूँ ताकि आपको आगे का स्टेप समझ आए, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई फिर 1 को 5 से, तो 6 3 जा 18 और 5 1 जा 5, कितना हो गया, 18 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 23। ओके तो क्या बताया था मैंने, 3 को तो आप फाइनल कर दो, ये 3 हो गया, और 2 को यहाँ पे एज कैरी लिख दो, राइट, देन 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, कितना आया, 31। तो 31 के लिए आप क्या करेंगे, 1 आपका यहाँ आ जाएगा ऐड में और जो 3 है वो यहाँ पे कैरी के रूप में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका, 3 3 3, एंड 6 एंड 3 9, सो द आंसर इज 9 3 3 3, है इजी, कोई मुश्किल नहीं था ना, मुश्किल। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 2 2 मल्टीप्लाई 23, एक बार आप ट्राई करके देखो। चलिए तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है, आपने अगर देखा हो, अगर आपको समझ आएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम ट्राई करते हैं दोबारा से। तो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, इस बार मैं कोई डायरेक्शन
आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, नॉर्मली बता रहा हूँ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है, डबल डैश आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ओके। अब रफली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ 4 एंड 3 टू ज़ 6, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10, ठीक है, समझ आ गया। 4 और 6 कितना हो गया, 10, तो 10 के यहाँ आ गया 0, कैरी आ गया 1, ओके। देन अब इस बार इसको करेंगे, 2 टू ज़ 4 एंड 3 वन ज़ 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, यहाँ पे लगा दो 7, ऐड हो गया तो कितना आ गया, 6082। देखा, इजीली हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, ना कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने की।